हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। देखो, कल मैंने टेस्ट लिया था, उसका रिजल्ट आप लोग देख ले। तो यहाँ पे टोटल जो 150 स्टूडेंट ने टेस्ट दिया था, और कल मैथ का मैंने टेस्ट लिया था, ठीक है ना। और एक तारीख था कल। अब देखिए इसमें क्या रहा सबका परफॉर्मेंस। मात्र 8 स्टूडेंट है जिन्होंने 20 में 20 लाया है। कॉन्ग्रेचुलेशन अबुजर, समदर्शी, मंत्री, एम मिसाइल, अभिजीत कुमार, आशुतोष कुमार, आशीर इरफान, मोनू कुमार। तो 8 स्टूडेंट था जिन्होंने 20 में 20 लाया है, लेकिन बहुत लोग का 19 आया। 19 बहुत स्टूडेंट का आया। मुझे पता है कौन सा क्वेश्चन में गलती हुआ। आइए हम दिखाते हैं आपको क्वेश्चन। ये देखिए, ये तो ठीक है, समांतर माध्य ठीक बता दिए। ये इसका भी आंसर ठीक है, इसका भी देखिए आंसर ठीक है, इसका भी ठीक आंसर है, इसका भी आपने ठीक आंसर किया है। इसमें डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करना है, इसमें माध्य निकालना है। ये इसमें तो इजी बना लीजिएगा, गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड है, ये तो बनाए हुए आप है ना। ये सब सवाल सब सही बना है। गलती किसमें हुआ है? गलती हुआ है आपका इस सवाल में। दो चर एक्स वाई में रैखिक समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के कितने अधिकतम संभव हल है? तो भाई साहब, इसके अनगिनत होंगे। यानी कि अगर एक्स का वैल्यू रखोगे, इस सी को इधर कर देते हैं, अगर सी को हम इधर कर देंगे, तो एक्स और वाई का कुछ भी वैल्यू पुट करोगे, मतलब ऐसा वैल्यू पुट करोगे जो सी के बराबर हो जाए, है ना। तो यहाँ पे अनेक वैल्यू पुट कर सकते हैं और सी के बराबर ला सकते हैं। जैसे एक्स प्लस बी वाई, इसको सी को इधर कर देंगे तो माइनस सी हो जाएगा। अब सी का वैल्यू मान ले कुछ 10 मान लेते हैं, तो ए एक्स और बी वाई, यहाँ पे एक्स और वाई का वैल्यू ऐसा पुट करेंगे, ऐसा वैल्यू लाएंगे जो 10 के बराबर आ जाए, सी के बराबर आ जाए। तो हम अनगिनत वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है ना, अनगिनत वैल्यू पुट कर सकते हैं। ये तो खैर मिस्टेक से होया हुआ है, अनगिनत वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? अनगिनत हल होगा, ठीक है ना। तो इसी में बंदे का गलती हुआ था, जिसका 19 नंबर आया होगा। आप पीडीएफ जाके देख लीजिएगा वेबसाइट पे। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन। और आज भी टेस्ट होगा, आज होगा साइंस का, ठीक है ना। कल जो मैंने साइंस पढ़ाया था वही सब सवाल रहेगा आज। ओके, बाय।